इसका टॉपिक है डिले इन मैरिज एंड इट्स सॉल्यूशन एज पर महावास्तु। एक्चुअली इधर मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं मैरिज प्रॉब्लम से रिलेटेड, और बेसिकली प्रॉब्लम क्या कि शादी नहीं हो पा रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लाइव सेशन कर लिया जाए इस प्रॉब्लम के प्रॉबेबल सॉल्यूशंस बताने के लिए। As we all, you know, we all have heard this quote quite often. Marriages are made in heaven, but performed on earth. But I think most rightly we can put it up as marriages are made in heaven, but a lot of details have to be worked out here on earth, isn't it? Prospective match ढूंढना, लड़का या लड़की दोनों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए इनफैक्ट कोई आसान काम तो नहीं है। अब ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन करें क्या कि ये मुश्किल कुछ आसान हो जाए। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो इसमें पहला स्टेप क्या है शादी के लिए? सबसे जरूरी होता है रिश्ते अच्छे आए। अब रिश्ते आते कहाँ से हैं? दरअसल रिश्ते तो हमारे समाज से ही आते हैं। तो समाज में हम सही लोगों से जुड़े जो हमें सही परिवार से जोड़े, क्योंकि इंडिया में शादियां दो लोगों के बीच में नहीं बल्कि दो परिवारों का संबंध होता है। तो यहाँ मेनली दो जोन्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली है ईस्ट डायरेक्शन, जो आपको सही लोगों से कनेक्ट करती है। अब ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब है कि यहाँ टॉयलेट या गैस बर्नर नहीं होना चाहिए। अब अगर यहाँ टॉयलेट हो तो आप उसे ग्रीन टेप से या ग्रीन 4 इंच की कोई भी पेंट से भी आप उसमें स्ट्रिप डाल सकते हैं, और अगर गैस बर्नर हो तो उसके नीचे एक ग्रीन बड़ौदा स्टोन आता है, आप वो लगा दीजिए, बस समस्या सॉल्व। जो इम्बैलेंस ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है वो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में इस तरीके से आ रहा है कि आपसे सही लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे जो कि आपको अच्छे परिवारों से जोड़ पाए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर जब आपने ये इम्बैलेंस ट्रीट कर लिया तो उसके बाद आप यहाँ कुछ ग्रीन प्लांट्स भी रख सकते हैं। दे शुड बी ब्यूटिफुल हेल्दी, इनफैक्ट अगर वो फ्लावर्स वाले या इस टाइप के कोई प्लांट्स हों जिसपे फ्लावर्स या फल आते हों वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये आप ऑफ वाइट, ग्रीन एंड इवन ब्राउन कलर के गमलों में या पॉट्स में अगर लगाते हैं तो वो भी अच्छा है। अब ये तो बात हुई कि हम जुड़े उन लोगों से, इसके साथ ही आपको एक चीज मैं और यहाँ पे बताऊंगी कि अब बिकॉज एवरीथिंग इज यू नो ऑनलाइन, तो कोशिश करिए अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सही लोगों से कनेक्ट करने के लिए आप ऑनलाइन मैरिज पोर्टल्स, यानी कि सेम कम्युनिटी के जो ग्रुप्स भी इनफैक्ट होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, वो वेबसाइट्स, आप उन रिसोर्सेस को भी यूज करना चाहिए आपको। तो फिर मैंने कहा कि ये दो परिवारों का संबंध है, तो यहाँ हम कनेक्ट करते हैं साउथ वेस्ट, जो कि हमारी रिलेशनशिप की जोन है, और यहाँ एक देवता एनर्जी विद्यमान है जिन्हें हम पितृ कहते हैं। शादी ब्याह या वंश वृद्धि तभी होती है जब हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो हमारे घर में साउथ वेस्ट दिशा का बैलेंस्ड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए और ना ही यहाँ गैस बर्नर होना चाहिए, एंड इनफैक्ट ग्रीन प्लांट्स भी नहीं होने चाहिए। और अगर साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस है तो वो भी हर काम में कुछ ऑब्स्टिकल्स या दिक्कत परेशानी देती है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई इम्बैलेंस आपके घर में साउथ वेस्ट में है, टॉयलेट है, तो आप वहाँ पर एक येलो कलर की स्ट्रिप से उसको ब्लॉक कर सकते हैं टेप से। और अगर गैस बर्नर है तो
तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप उसको थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे, जिसे हम वेस्ट ऑफ साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं, आप वहां पर अगर शिफ्ट कर दें और उसके नीचे येलो जैसलमेरी स्टोन रख दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ग्रीन प्लांट्स डेफिनेटली यहाँ पर दे आर स्ट्रिक्ट नो, तो वो भी अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं तो ये इम्बैलेंस भी आपका बैलेंस हो जाएगा। अब उसके बाद जो तीसरी डायरेक्शन इसमें आती है वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट उस पवित्र अग्नि को रिप्रेजेंट करती है जो मंगल कार्य करवाने में सहायक होती है। हमारे हिंदू धर्म में हम अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हैं, राइट? तो अगर साउथ ईस्ट में कोई इम्बैलेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ ईस्ट कटा हुआ हो, या वहाँ टॉयलेट हो, या ब्लू ब्लैक कलर हो, एंड इवन मिरर, अगर शीशा भी वहाँ पर है, तो आपको सब कुछ सही चल रहा होगा। और बस लास्ट मोमेंट पर जब चीजें फाइनलाइज होने की स्टेज पर होंगी, आखिर टाइम पर बात बिगड़ जाएगी। तो इसका मतलब साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो अगर साउथ ईस्ट कटा हुआ हो तो वहां आप एक रेड बल्ब लगा दें, टॉयलेट अगर हो तो रेड कलर का टेप लगा दीजिए, ब्लू एंड ब्लैक कलर डेफिनेटली आपको रिमूव करना पड़ेगा वहां से, और मिरर भी आप रिमूव कर दें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर मिरर आपका फिक्स्ड है, आप वो वहां से हटा नहीं सकते हैं, तो आप उसमें एक वुडन का फ्रेम भी दे सकते हैं, ग्रीन टेप से भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई, दो जोन्स की बात मैंने आपसे की। अब इसके साथ ही मैं दो और जोन्स आप इस थोड़ा सा और इसमें क्लैरिफिकेशन दूंगी जो एड ऑन करते हैं, जिनका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो दो जोन्स हैं, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कटा होगा तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का रिश्ता चाहिए अपने बेटे या बेटी के लिए। और आपकी जो समझ है उस रिश्ते के बैकग्राउंड के बारे में या उनकी रियलिटी के बारे में, वो सही है या नहीं, आप हमेशा इस कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे। और इनफैक्ट अगर नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ हो तो ये एक हाई हेडेडनेस देता है, और उसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाती हैं कि रिश्ता जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साथ ही आपका किचन गैस बर्नर वहां नहीं होना चाहिए, रेड एंड येलो कलर्स भी हमें यहाँ अवॉइड करने हैं। तो अब एक जोन और बचती है जिसका रोल शादी में या एक रिश्ते को स्मूथली चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लास्ट जोन, विच इज लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो जो शादी के लिए या जिनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, उनके लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इम्बैलेंस हो तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन नहीं होगा उनमें, और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये तो वो कुछ कारण हुए जिनकी वजह से शादी डिले होती है या शादी होने में अड़चने आती हैं, और उसकी रेमेडी भी मैंने आपको बताई। अब एक बहुत ही सिंपल सी इफेक्टिव रेमेडी जो हम बेसिक बैलेंसिंग के बाद कर सकते हैं, ताकि जल्दी से घर में शहनाई बजे और शादी हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो घर का वेस्ट डायरेक्शन है, जो वेस्ट जोन है, वहां पर एक डोली का सीन लगाइए। डोली का सीन, अब आप ये समझ लीजिए कि अगर बेटी के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो ये जो डोली का सीन है, डोली बारात का सीन, ये आप अपने घर से बाहर की तरफ फेस करते हुए लगाएंगे। अगर आप लड़की के लिए, बेटी के लिए अगर रिश्ता देख रहे हैं, और अगर आप अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, घर में बारात जैसे आती है उस टाइप का बारात और डोली का सीन आपको घर के अंदर आता हुआ ये कहाँ लगाना है, वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन वेस्ट बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम ये कुछ जोन्स को बैलेंस कर देते हैं तो
तो अपनी सोच को साकार कर सकते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड जी। मंजीत जी हेलो, मेरी बेटी की शादी में बहुत रुकावट आ रही है, मेरा घर साउथ वेस्ट फेसिंग में है, क्या करूं? डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट फेसिंग अगर घर का है तो दिक्कत तो आती है बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैंने उसमें रेमेडी आपको अभी बताई थी कि आप उस एंट्रेंस को येलो कलर के टेप से या इनफैक्ट येलो कलर के पेंट से भी आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली चेक माय वास्तु ऐप के थ्रू कि और कौन कौन से जोन्स मैंने इसी टॉपिक को लेकर अभी जो बताए हैं। देखिए कि कहीं वहाँ कोई टॉयलेट तो नहीं है और किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो आप चाहें तो मुझसे योगदान में भी कनेक्ट हो सकते हैं अपने घर के मैप के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके जी, क्या हम ईस्ट की सारी दीवार को ग्रीन पेंट कर दें, साउथ की वॉल रेड कलर एंड साउथ वेस्ट में येलो कलर कर देने से ये सब जोन्स बैलेंस्ड हो जाएंगे? माय गॉड, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये देखने में बहुत ही अजीब लगता है, और अगर आपका मैप प्रॉपरली ग्रेडेड नहीं है तो ये करना आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी भी खड़ी कर सकता है। क्योंकि हम लोग बार चार्ट और सिम्टम्स मैच करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंसिंग सजेस्ट करते हैं। आप अपने पूरे घर में ऑफ वाइट कलर करवा सकते हैं, ये एक न्यूट्रल कलर है और इसका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी नहीं होता। देन नेक्स्ट इज मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उपाय बहुत ही सरल और सटीक होते हैं, थैंक यू। कृपया बताएं कि अगर लड़का तैयार ना हो शादी के लिए तो क्या करें? अगर लड़का तैयार ना हो शादी के लिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका कारण क्या है। क्या उसे ये लग रहा है कि वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है? अगर नहीं तैयार है तो थोड़ा टाइम दीजिए उसको। जब वो अपने आप को केपेबल समझे शादी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तो ही शादी करें, अदरवाइज बिना मन के शादी करने से तो फ्रस्ट्रेशंस ही होते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में तो अवॉइड ही करिए, उसे थोड़ा टाइम दीजिए। अगर और कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। आप इसमें बाद में भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं इसमें रिप्लाई कर दूंगी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से फिर से जुड़कर। कोई और आपकी समस्या हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, नमस्कार।